मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स, और आज मेरे साथ मेरे शो पे लेवल एक्सक्लूसिव मौजूद हैं तीन जबरदस्त और यंग यूट्यूबर्स जिनका नाम है अवनीश सिंह, हनी शर्मा एंड सुशांत मग्गू। तालियां बजाओ भाई, तालियां बजा के स्वागत। क्या हाल है भाई, कैसे? बढ़िया भैया, भाई सब बढ़िया। और कैसी फीलिंग है पहले मुझे बताओ, क्योंकि आप तीनों यंग यूट्यूबर्स हो और लोगों का जो आपको प्यार मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, तो भाई कैसी फीलिंग है पहला बताओ। बेसिकली जो अभी देख रहा है सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक ले जाने में आप सबका बहुत हाथ है। कभी लगा नहीं था कि इतनी जल्दी धीरे धीरे सब अपनी तरफ आने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा, लेकिन ऑडियंस का बहुत सपोर्ट है और प्यार मिलता आ रहा है, तो प्लीज़ बनाए रखना यार, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, अभी बहुत आगे तक जाना है। अब आप ही देख लो, आपसे हम पहला इंटरव्यू है मेरा आपके साथ है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। मैं लाइफ में कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं वीडियो बनाऊंगा, और आज इतने बड़े यहाँ तक आने के लिए भी बहुत कोशिश करते हैं लोग, पर यहाँ तक आया नहीं जाता किसी से, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। थैंक यू भाई। और मैंने सुना पहला आप वीडियोज देखते थे मेरे, अब आप वीडियो बनाना चालू कर दिए। बिल्कुल सही बोला। स्टार्ट किया था बहुत छोटा सा, एक वीडियो क्लिप बनाया था, एक्चुअली सोशल मैसेज था वो, तो वो बहुत वायरल हुआ, मतलब आसपास लोगों के अंदर, सिरसा के अंदर जहाँ से मैं हूँ, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि अच्छा बना रहा, करता जा करता जा। अपने पर्सनल उस पर शेयर किया था फेसबुक प्रोफाइल पे, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई, जनरली फनी वीडियो बनाई, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर उसके बाद नहीं रुका, करता चला गया करता चला गया। अभी तो स्टार्टिंग है, अब तो बहुत कुछ बाकी है। कुछ क्या झंडे गाड़ने बेटे बताओ, झंडे गाड़ेंगे आप देखते जाओ। अच्छा भाई देखो, आप यंग यूट्यूबर्स हो, बहुत आपको प्यार मिल रहा है, सो बहुत अच्छा। मैंने देखा आपके चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, सो मैंने मुझे ये बात बताओ कि आपने स्टार्ट कैसे करा और स्टार्टिंग में किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा आपसे? भाई स्टार्टिंग मेरी हुई, मैं हूँ गाजीपुर से, बहुत छोटी जगह है यूपी में, तो भाई वहाँ से आया, वहाँ कोई स्कोप नहीं था, तो उसके बाद मैं कॉलेज आया, कॉलेज में मेरे एक साल निकल गए, मेरा कोई दोस्त नहीं बना, मैं स्ट्रगल करता रह गया कि मैं किसी को ढूंढूंगा और किसी के साथ वीडियो बनाना शुरू करूंगा, बट मेरा था यूपी का लिंगो और यहाँ के लोगों से थोड़ा मैच नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ी रैगिंग, थोड़े मजाक वजाक में निकल गया, तो एक साल मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर ड्रामा सोसाइटी में एक बंदे से मिला, तो सौरभ नाम था उनका, तो उनके साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो बनने लगी। उस वीडियो के दौरान 5 महीने हो गए थे, सब्सक्राइबर 800 कुछ थे, फिर उसके दौरान फिर एल्विस से मुलाकात हुई, तो फिर एल्विस के साथ मेरा काम काफ़ी अच्छा चलने लगा, फिर एल्विस के बाद इससे मुलाकात हुई, फिर हनी से, फिर हनी के बाद एक हाफ इंजीनियर था, फिर हम चारों का ग्रुप था, और एट लास्ट सुशांत मग्गू जी, तो अब ऐसे पूरा ग्रुप बन गया। सुना मैंने आप उनको सर बोलते हो, यूट्यूब फैन फेस्ट मिले थे। हाँ स्टोरी वॉज की मैंने इनकी एक वीडियो देखी, फेसबुक मीट थी। हाँ फेसबुक मीट थी, मैंने इनकी एक वीडियो देखी, मैंने कहा यार ये बंदा तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, कहीं दिखे तो मैं देखा एक आइसक्रीम कोन से मुंह का बंदा वहाँ खड़ा है, मैं कहा अरे ये तो सुशांत मग्गू, मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा मेरे को बेस है, ठीक है ठीक है, मेरा मान गया क्या? ना ना रिकवर, मैं तो कवर कर रहा हूँ। ठीक है आप बताओ भाई, स्टार्टिंग में आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत एज सच कुछ नहीं आई, क्योंकि मैंने स्टार्ट जब किया था उस टाइम दोस्तों का सपोर्ट था, उस टाइम बस व्यू की दिक्कत थी कि भाई कोई देखता नहीं था हमारी वीडियो। हाँ। तो मैंने अपनी वीडियो 15 मई को पहली वीडियो निकाली थी अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने मेरे को एनकरेज किया कि भाई तू वीडियो बना सकता है, तेरे पास DSLR भी है। वो उस टाइम यूथ होता था ना कि भाई DSLR, पहले फ़ोटो खींचो, पहले फोटोग्राफी के पेज बनते थे, उसके बाद अब वीडियोज़ के पेज बनने लगे थे, तो उस टाइम सोचा था मैंने, बीबी के वाइंस देखे थे, बहुत सारी वीडियोस देखी थी उसमें, फिर बनाने स्टार्ट किया। उसके बाद स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद मैं स्विमिंग करने जाता था, तब मुझे एल्विश दिखा, वो मेरा जूनियर है एक्चुअली स्कूल में, स्कूल में जूनियर था मेरा, एक साल जूनियर है, तो वो मिला मुझे, फिर उसके साथ बनानी स्टार्ट की। वहाँ पे फर्स्ट टाइम बंदे में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, ये थोड़ा एटीट्यूड में बंदा मिला मेरे से, फिर उसके बाद इससे ज़्यादा बॉन्ड हो गई, उससे थोड़ा है, थोड़ा मतलब ठीक है, दोनों सब सही चल रहा है हमारा, मेरे में एटीट्यूड। हाँ उसके बाद फिर अब सुशांत से हुई, फेसबुक मेट में सुशांत से मिला मैं, ऐसा नहीं अब तो ये भाई जैसा हो गया है, पहले तो मतलब ऐसा था ना कि इस बंदे की पहली फेसबुक हाय पे मैंने तुरंत रिप्लाई किया था कि हाँ भाई बताओ। ये भी मेरा जूनियर है, कॉलेज का जूनियर है, अभी बात मत करिए। तो बस यही, ज़्यादा कुछ ऐसे दिक्कत नहीं, पहले यूट्यूब चैनल में दिक्कत आई थी क्योंकि उसमें कोई देखना पसंद नहीं करता था, हमारी फेस वैल्यू नहीं थी,
तो उस टाइम एलविश की थी थोड़ी बहुत, तो उसके दौरान थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट किया लोगों ने, बस उसके बाद तो अब तो एक उसके बाद आपने अपना खोल लिया? उसके बाद नहीं, मैंने खोल चुका मतलब था। मतलब वो फेस वैल्यू फिर उसमें ज्यादा आने लगी, फेस वैल्यू का फायदा होने लगा थोड़ा सा, तो बस अब तो चल रही है। ठीक है भाई, आप बताओ। मैं सिरसा से हूँ और मैंने जब स्टार्ट किया था बनाना तब एक सोशल मैसेज था, उससे स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी था और कई लोगों ने रोका भी कि क्या कर रहा है, 23 साल का हो गया है, 22 साल का हो गया, अभी तेरा टाइम नहीं है काम करने का, अब कुछ और कर, जॉब कर, ये क्या कर रहा है, किन चीज़ों में पढ़ रहा है। अच्छा। तो मैं करता रहा, घर वाले भी शुरू में सपोर्ट नहीं करते थे, बोलते थे हाँ ठीक था बना रहा है, ठीक है करता रहा, पर ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कर, अच्छा कर रहा है कुछ भी, मतलब ठीक है कर रहा है। तो जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ने लगे फेसबुक पे, रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ लोगों का, तो फिर फेसबुक मीट पे जैसे इनसे मुलाकात हुई, फिर ब्रांड्स ऑफ मीडिया जो कंपनी है हमारी सबकी, जो हमें सब आर्टिस्ट को हैंडल करती है, तो उन्होंने उनसे उनके सर्किट मतलब मैं टच में आया, उसके बाद तो फिर अभी बेटरमेंट पे चल रहे हैं। अब तो मतलब दबा के व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, मेरा ये बड़ा मतलब सवाल है बड़ा, मैं रिसर्च करा मतलब इतना, मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका जो कॉन्टेंट है ये देसी है? ठीक है, तो मतलब आप ये लोग हो देसी या ये ट्रेंड में आपने इसको चूज करके अपने वीडियोस में डालना चालू करा? भाई भाई मेरी पहली वीडियो है। हाँ। वो पूरी यूपी लिंगो पे बनी हुई है और वो मैंने जनवरी में डाली थी या फरवरी के स्टार्टिंग में डाली थी, और ये बात है पिछले साल की। हाँ। और जिनका द मेन देसी ट्रेंड माना जाता है एल्विश, उससे मैं मार्च में मिला था जब देसी चलना शुरू हुआ जब उसके थ्रू, और अमित भाई ने भी फरवरी में बनाना शुरू किया, तो मेरे को ये एज बेसिकली देसी वर्ड है, ये मेरे को कभी नहीं पता था। मुझे पता था कि मेरी ये लिंगो मेरे को आगे जाने में हेल्प करेगी, तो भाई मैं तो हूँ ही गांव से, तो थोड़ा इस वजह से देसी आ ही जाता है। मतलब हम लोगों का पूरा गांव का ही सिस्टम है, सब उसी हिसाब से चलता है, तो सब कुछ पहले से ही आइडिया था कि देसी में होता क्या है। जैसे ये यहाँ का तो इसको पता है कि हरियाणा का बेसिक देसी ट्रेंड क्या है। मैं भी देसी से ही हूँ, मतलब मैं भी हरियाणा का ही हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा देसी वीडियो पे, क्योंकि उस आजकल ट्रेंड है वो, आजकल चला है, हमने पहले भी बनाई थी, बहुत पहले ही बनाई थी, और अब तो शायद एल्विश के साथ तो बनाते थे। तो हिंदी पहले बनाई थी आपने? हिंदी वीडियो? हाँ हिंदी वीडियो, उसमें आई थिंक आपको इतना रिस्पॉन्स मिला देन। हाँ आपने तो देसी नहीं, बेसिकली मेरी पहली वीडियो जो थी वो प्योर हिंदी थी, वो थी ये डिमोनिटाइजेशन पे बनाई थी, तो उस पर भी मेरे को बाकी बराबर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ये जो मेरी टोन थी इस पर मुझको काफी कई लोगों ने बोला कि अगर ये आती है तो इसको करो, कुछ नया लगेगा लोगों को, और पता नहीं क्यों लेकिन यही काम कर गई आगे जाने के लिए। आप भाई? मेरा कंटेंट शुरू से ही देसी नहीं था। हाँ, आपका तो थोड़ा सा। हाँ मेरा अलग है, मेरा दूसरी तरह का कंटेंट है, तो उसी से ही फेसबुक मीट में मिलने के बाद मेरा अभी भी जोनर इनसे अलग है, अलग कर रहा हूँ। हाँ। पर यह कि रिस्पांस शुरू से अच्छा था और अभी भी रिस्पांस अच्छा ही आ रहा है लोगों का। इनके साथ काम जरूर करता हूँ, इनके साथ देसी भी करता हूँ, देसी भी हूँ और दोनों तरफ है मेरा, दोनों साइड चलता है। सबको कवर किया हुआ है। अच्छा भाई जो मैं आगे देख रहा हूँ कुछ और यूट्यूबर्स भी है, तो मतलब जो सब जो देसी आज स्वैग बन गया आज के टाइम, मतलब अगर आप कुछ भी देसी पहनते हो या अपने वीडियो में करते हो तो वो ट्रेंड बन जाता है, बहुत जल्दी कैच कर लेते लोग। बस यही चल रहा है, कोई देसी वर्ड भी एक लिख देना तो उससे पूरी वीडियो वायरल चलती है। ठीक है, जो लोग नहीं है और ये लोग कर रहे हैं देसी, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मतलब ठीक है, मतलब क्या भाई, बेसिकली मेरे हिसाब से भाई ये जो देसी वर्ड है ना भाई, एक टाइम था जो इस वर्ड को लोग यूज करते थे किसी को इंसल्ट करने के लिए। ये एक तरह से भाई देखो, अमित वडाना भाई, एल्विश भाई, सब ऐसे ऐसे करके मिल के एक देसी को भाई एक नीचे से ब्रांड बना दिया उन लोगों ने, एक ब्रांड को कि कोई अब यूज करता है ना देसी, तो अगले बोलता है कि हाँ हम देसी हैं। और अभी मुझे कल के किसी आधा लड़की ने मुझे मना कर दिया, बोला देसी नहीं, देसी भी नहीं हूँ भाई, मेरा नंबर दे ये काम नहीं करता। ठीक है भाई, अच्छा भाई देसी को एक ब्रांड बना दिया और आप लोग भी उसी ब्रांड को और आगे ला रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ आप लोग की इंस्पिरेशन कौन है? मेरी बेसिकली अगर मैं आउट ऑफ इंडिया का हूँ तो लेले पॉन्स, किंग बैच एंड अनवर जिवावी, लोगन पॉल, और इंडिया में कहूँ तो बैन कर दिया, क्या कर सकते हैं, बिलियनियर हो रहा। और इंडिया में अगर कहूँ तो भाई बीबी की वाइन जिनसे स्टार्ट किया था, और बेसिकली अमित भाई देसी को बहुत देखते हैं। और बाकी भाई अगर इंस्पिरेशन बोलूँ तो भाई हर तरफ से मिल जाती, इससे भी बहुत कुछ सीखा है भाई, इसी समझ। जो भी काम कर रहा है हर इंसान जो इस लाइन में है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, अगर वो फेल हो रहा है उससे भी हम सीख रहे हैं, अगर वो पास हो रहा है तो हम उससे भी सीख रहे हैं, हम हर वीडियो से सीखते हैं। अब
कोई खराब कर रहा है या कोई और ज्यादा अच्छा कर रहा है, हमसे नीचे है वो और ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो उससे सीख ले। अगर कोई खराब कर रहा है तो हम देखते हैं कि वो क्या खराब कर रहा है, अपनी वीडियो में हम ना यूज करें। अगर वो अच्छा कर रहा है तो क्या अच्छा कर रहा है, सिमिलर नहीं उससे हटके क्या अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे भाई ने कुछ नाम लिए, ये फेवरेट फेवरेट ऐसे हमारे मैंने वीडियोस सबसे पहले देखनी स्टार्ट की थी तो मैंने हर्ष बेनीवाल की देखी थी स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आशीष चंचलानी, फिर अब अमित भड़ाना भाई, और अब तो सबकी देखते हैं क्योंकि पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्यों हर बंदा हर किसी की वीडियो देखता है, तो छोटे छोटे बड़े से बड़े के देखते हैं कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं उसमें। ठीक है भैया, मैंने सबसे पहले देखनी शुरू करी थी बीबी भाई की, उसके बाद मैंने देखी अमित भाई की, और फिर हर्ष भाई और अमित भाई की कंटिन्यू में मतलब रेगुलर आती थी, तो सब वहीं से इंस्पिरेशन वही था कि यार ऐसा बनाना है कुछ, यार ऐसा बनाना है कुछ, तो उस चक्कर में किया स्टार्ट, तो अब अच्छा चल रहा है सबका। कभी ऐसा हो क्या आपने दूसरा कंटेंट उठाया जैसे आप देखते हैं कि यार ये नहीं करना वो नहीं करना, ये थोड़ा सा अच्छा कंटेंट है इसको मैं थोड़ा चेंज करके अपना बना लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं अभी तक, अभी तक तो मैंने भाई अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो आइडिया कैसा लगा? आइडिया अच्छा नहीं है भाई, आइडिया एक्चुअली वो लोग बताने वाले हैं भाई। सर आजकल ना एक फोन के अंदर ना सब कुछ बसा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम किसी का कॉपी करते हैं ना तो लोग इतने एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, एक मिनट लगाएंगे आपके नीचे कमेंट करने में, भाई इसको तो वहां से उठाया हुआ है, भाई ये तो वहां से उठा हुआ है, आप किसी भी देख लेना जाके, अगर नीचे आपको मिलेंगे ना 25 से 30 कमेंट। सर, तो मेरा बेसिकली एक था सर, मैं मनकीरत और परमीश पाजी का मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ, गाना सुनता रहता था, तो बेसिकली मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, हम लोगों ने प्लान की थी कंबाइन करके बनाई थी, एंड आई वॉज लाइक कि वो लोग शायद ये वीडियो देखेंगे तो कभी खुश होंगे, बट बेसिकली नीचे कमेंट्स उस पर आने लगे, भाई ये तो मनकीरत पाजी के गाने से, मैं नीचे लिखना चाह रहा भाई गाने भाई उन्हीं के लिए तो बनाया है भाई ना ये। तो भाई कभी कभी एज अ फैन आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हो कि मैं किसी और का फैन हूँ, लेकिन जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपसे कुछ नया चाहते हैं। लोग 5 मिनट लगाते हैं सही में, तो ये कमेंट्स में, अरे कमेंट्स में मुझे आता है कि देखो पॉजिटिव कमेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स क्या आपको इफेक्ट करते हैं स्टार्टिंग में? सबसे ज्यादा इसको मैं झूठ नहीं कहूंगा, एक ऐसा टाइम था ना मुझे एक नेगेटिव कमेंट आता था ना, और रात को 11-1 बजे फोन आ रहा है, भाई मैं कहां क्या होगा यार इसने ऐसे लिख दिया, अबे मैं कहा बहुत सारे आएंगे अभी तू क्यों परेशान हो रहा है। एक टाइम था मैं ये दोनों पागल हो जाते थे, मतलब इतना रोता था भाई, इतना रोता था कि भाई यार क्यों कर रहे हैं भाई, इन्हीं लोगों के लिए तो बनाता हूँ, कई की ओवर एक्टिंग करता है ये करता है, तो इन सब के साथ रहते रहते ना भाई, अब ऐसा हो गया कि अब ज्यादा भी है नेगेटिव कमेंट फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। आपको भाई फर्क पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पड़ता है कि गाले बहुत खराब लगता है अगर कोई गाली लिखता है भाई, बेसिकली मुझे दे लो मेरी फैमिली को जब कोई गाली देता है तो भाई बहुत खराब लगता है, बेसिकली अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो भाई मुझे गाली दो अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो, बट बेसिकली मैं इसी बात पे सबसे ज्यादा रोता था कि भाई गालियां किसी और भाई इंडियन सोसाइटी है खुद के लिए तो गाली नहीं है बेसिकली, मैं तो ये है कि आप भाई को गाली दो, आपको क्या कह रहा था, आपको इफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम, 3-3 दिन ना नहीं सोते, बिल्कुल भी नहीं सोते 3-3 दिन, और हमारी एक्चुअली ऐसे सीन है, 2-3 दिन इसकी शूट होगी, 2-3 दिन मेरी शूट होगी, 2-3 दिन इसकी शूट होगी, तो पूरा पूरा हफ्ता ऐसे निकल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह दो तीन दिन शूट होती है, उन पूरी रात में कोई सोता नहीं है, हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, एडिटिंग वीडियो करनी रहती है, तो ये हम लोग रात को इसलिए करते हैं कि सुबह अगले बंदे को टाइम दे पाए वीडियो के लिए। और आप नेगेटिव कमेंट्स मतलब करते हैं, इफेक्ट जरूर करते हैं, पर ये है कि बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं जो बहुत से लोगों को डिमोटिवेट करेंगे, भाई तू कहाँ जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे जा रहा है, अच्छा तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपके साथ वाले भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई, गलत कर रहा है, तो इग्नोर करो काम करते जाओ, तो बस यही है, अगर हम इतनी मेहनत करते हैं ना तो उसको मोटिवेट करो, अच्छा मतलब उसको सपोर्ट करो, अगर हमारी एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही, अगर हम कंटेंट अच्छा नहीं दे रहे तो उसके बारे में लिखो, आप लोग ही बताओगे, आप लोगों से हमें पता लगना है, आप लोगों से हमें आगे सीखने को मिलेगा, तो सही बात है बिल्कुल। अच्छा भाई मुझे बताओ कि आप तीनों में से, तीनों का सवाल ये है कि फेवरेट यूट्यूबर कौन, ऐसा यूट्यूबर बताओ जिसको आप देखना पसंद करते हो, और एक ऐसा यूट्यूबर जिसको आप देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, भाई आपसे स्टार्ट करता हूं, बेसिकली आप बताओ भाई यूट्यूबर अगर बेसिकली जो खुजली रहती है ना, मतलब क्या ये तकिया कलाम है क्या बेसिकली आपका? नहीं बेसिकली तकिया कलाम नहीं है, लेकिन आपका सवाल काफी गुम गया है, आया सही जगह पे, नहीं आया सही जगह, पहले इंटरव्यू में रुला रहा है ये मेरे को, तो बेसिकली पहले इंटरव्यू बेसिकली ऐसा यूट्यूबर जो आपको देखना पसंद है, और एक ऐसा यूट्यूबर जो आपको बिल्कुल देखना पसंद है, जैसे
भाई पहले पसंद की बात करते हैं भाई, भुवन माम ठीक है, वेट करता अनवर जी भाभी, अमित बढ़ाना, इन लोगों की भाई वीडियो की वेट होती है ठीक है। और भाई 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 देखनी उन यूट्यूबर्स की कभी पसंद नहीं होती है जो बेसिकली जो एक होता है ना कि आपको इनसे पता चल जाता है कि यार कॉपी आने वाला है, इनसे कॉपी आने वाला है। तो ना, नाम बताओ कुछ, मुझे अपना करियर नहीं खत्म करना, अभी स्टार्ट होता है। तो ये होता है, लेकिन मतलब आपको ये नहीं कह सकता कि वो बहुत बड़े लेवल के हैं, क्योंकि जो कॉपी करता है सबको पता है कि उनका ज्यादा ऊपर तक का लेवल नहीं हो पाता है। तो लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जैसे कई लोग मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग या छोटे यूट्यूबर्स भी मेहनत कर रहे हैं, उनके थ्रू उनका जो कंटेंट लेके अपनी वीडियो बनाते हैं भाई, उनकी देखने में मजा नहीं आता। ठीक है, तो नाम ले लो ना, इतना मतलब क्वेश्चन मालूम, मतलब इतना आपने बोला, अच्छा बोला है। ठीक है, आप बताओ भाई, ऐसे यूट्यूबर जो आपको देखना पसंद है और ऐसा नहीं? राज जोन्स, आपके वीडियो देखने का वेट करते हैं हम। और सच बताओ। अच्छा, ऐसे ऐसे सच बहुत सारे हैं। तो ये झूठ था? नहीं, ये सच था। अच्छा, उसमें मिक्स था ये। हाँ। डिप्लोमेटिक आंसर था। तो लाइक हो गया एलविश, हो गया अमित बढ़ाना, हो गया, मैं आसपास के ही देखता हूँ। मैं मुझे अपनी अपने दोस्तों की या अपने भाइयों की देखनी ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे। और ना देखने वाला तो कोई ऐसा नहीं है, मैं सबकी वीडियो देखता हूँ, सबकी वीडियो देखता हूँ। हाँ, जो जो आती है वो सबकी वीडियो देखता हूँ मैं, और ये सारे देखते हैं। कोई मना भी करेगा ना कि मेरे को इसकी देखनी पसंद नहीं है, तो वो बंदा भी देखता हूँ। सारे कंपटीशन अपने अपने कंपटीशन को चेक करते हैं? नहीं, कंपटीशन नहीं है, बस देख के उससे इन्फ्लुएंस होकर और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं बस। मैं हेल्दी कंपटीशन, हर एक की वीडियो देखती हूं। आप बताओ भाई। मैं ये मानता हूँ अगर कोई भी काम कर रहा है, चाहे कॉपी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मेहनत तो उसमें लगती है। देखो सबको, आपको अच्छा नहीं लग रहा उसको बोल दो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, या अच्छा कर रहा है भाई, या करता रहा है, या मत कर ये चीज, नीचे कमेंट करके बता दो। पर ये बोलना गलत है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा, मतलब ये सवाल, वो मेरा सवाल कुछ और है, सवाल रिपीट कर एक बार। मेरा भाई सवाल क्या है कि एक ऐसा यूट्यूबर जो आपको देखना पसंद है और एक ऐसा यूट्यूबर जो मेरे को सब पसंद है। डिप्लोमेटिक आंसर, डिप्लोमेटिक आंसर, मेरे को सब पसंद है। और सबसे अच्छा जो, हां सोनी पसंद है, सोनी सब पसंद है ना आपको? सोनी सोनी पसंद है। और सबसे अच्छे मेरे को जो लगते हैं देखने में, मैं जिनका वेट करता हूँ, अमित भाई, बीबी भाई, हर्ष भाई और बीयूनिक। बीयूनिक चार जो नहीं पसंद है बस, हालांकि उसको सब्सक्राइब करा लेकिन देखता नहीं। नहीं, फिर मैं सब्सक्राइब ही नहीं करता। अच्छा, फिर भी कौन है जिसको नहीं देखना पसंद? ऐसा कोई नहीं है यार। भाई मेरा नाम लेगा भाई, हर बार फोन करके वीडियो डालने के बाद एक घंटे बाद पूछा सुशांत वीडियो देखी भाई, वो ना मैं बिजी था, फंस गया था, घर जाके देख के बताता हूँ। नहीं लड़का एक्टिंग नंबर ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अभी तो आप लोग निकल रहे हो बाहर, अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो एक लेवल पहुंचने के लिए, सो ऐसा मतलब कोई यूट्यूबर है जो एस्टैब्लिश्ड है और जो आपको फुल सपोर्ट करता है कि भाई ये देख अगर कोई दिक्कत होगी जस्ट गिव मी अ कॉल, एनी हेल्प चाहिए कंटेंट को लेकर या क्या किसी भी चीज को लेकर? मैं बेसिकली अगर मैं चार लोगों का नाम लूंगा जो बेसिकली, अमित भाई नहीं, एक तो बेसिकली हो गया ये पता नहीं आपका नाम है राज भाई, आपने बोल दिया ना बेसिकली बोलने के पैसे दिए इन्होंने। हां अमित भाई, एलविश, हां हनी और सुशांत, मैं ये कहूंगा ये चार लोग है ना। नहीं मैं एस्टैब्लिश की बात कर रहा हूं, जो ये अगर एस्टैब्लिश कहूं, अगर एस्टैब्लिश कहूं तो एलविश और अमित बढ़ाना, बिकॉज ऐसे अगर मेरे को कोई सिंपल डाउट्स होते हैं तो एलविश हमेशा क्लियर कर देता है बात करने में, जो मुझे आगे जाने में वो हो रहा है, और अगर थोड़े से उससे ऊपर डाउट है तो अमित पाजी क्लियर कर देते हैं। ठीक है भाई, आप ऐसे अमित भाई, मैं अमित भाई से बात करते हैं, एलविश हो गया, एलविश से कुछ पूछना होता है या कुछ बताना होता है, बिकॉज सबसे पहले मुझे ऑडियो की दिक्कत थी क्योंकि हम डायरेक्ट कैमरे से ऑडियो लेते थे, तो सारा साउंड आता है। हाँ, तो उसमें सारा साउंड आता था, तो फर्स्ट टाइम मैंने इन दोनों की वीडियोस में ही देखा था कि ऐसे ऐसे सीन होता है, मैंने उसी से पहले सीखी है मैंने वीडियो कैसे बनाते हैं, एक्चुअली में कैसे बनाते हैं। तो एलविश, अमित भाई से जब कुछ और या स्क्रिप्ट डिस्कस करनी होती है तो अमित भाई से कर लेता हूँ, और तो ये दोनों है ही, इन दोनों से साथ ही बैठ के करते हैं। ठीक है भैया, अमित बढ़ाना भाई, सिंगल भाई, सिंगल अमित, क्योंकि पता है पंगा ये है ना हमारी लाइन में, यही तो कॉन्सेप्ट और कंटेंट के ही सब कुछ खेल है। अगर हम तीसरे पर्सन से वो कंटेंट शेयर करते हैं तो अगला तो बना के खुद जाता रहेगा, हम क्या करेंगे भाई। सबसे लकी बात ये है, तीन लोग जो साथ बैठे हैं उसमें अमित भाई का बहुत बड़ा इसलिए हाथ है कि फेसबुक मीट के बाद हम लोग में थोड़ी सी डिस्टेंस बन गई थी, क्यों जो कांटेक्ट डिस्टेंस होती है, तो अमित भाई ने एक बार घर बुलाया था इसकी वीडियो के लिए, और फिर हम लोगों ने की थी, उसके बाद ये जो बॉन्डिंग बनी थी वो काफी अच्छी। और अमित भाई ब्रांड्स अप में मेरा आने का सबसे बड़ा रोल, मैं सबसे इसलिए मिल पा रहा हूँ क्योंकि अमित भाई को मेरी वीडियो पसंद आई थी, तो उन्होंने ब्रांड्स अप मीडिया को अप्रोच किया था कि आप
ये लड़का अच्छा कर रहा है, इनको उठाओ। तो ब्रांड ऑफ मीडिया का मेरे पास कॉल आया था और तो मैं गया था मिलने, और उसके बाद सब इकट्ठे हुए। और यही चीज मेरे साथ भी हुई थी कि उनको मेरा एक बार उनको मेरा काम पसंद आया था तो उन्होंने एक वीडियो के लिए बुलाया था। तो उसी टाइम उन्होंने ये भी बताया था, इनकी भी तारीफ की थी, इनका काम पसंद आया था लेकिन काफी अंडररेटेड थे, सिरसा थे। तो ब्रांड सब में आने का एक और जो मेन मेरा जो कारण था वो अमित भाई थे। ठीक है, ओके, अच्छी बात है भाई कि भाई ने आपको इतना सपोर्ट करो और आज आप लोग कुछ कर रहे हो लाइफ में, अच्छा कर रहे हो। अच्छा मुझे बताओ कि आप तीनों का ड्रीम कोलैबोरेशन किस यूट्यूबर के साथ या एनी आर्टिस्ट, जो आप देखते हो ना कि जब मेरे 10 लाख हो जाएंगे तो भाई यार इस आर्टिस्ट के साथ एक कोलैबोरेट करके वीडियो बनाऊंगा। अगर इंडिया में कहूँ तो बी यूनिक, ठीक है, इंडिया में कहूँ तो बी यूनिक, और अगर आउट ऑफ इंडिया कहूँ तो अनवर जिवावी या फिर लिली पॉन्स। ठीक है, आप बताओ बी यूनिक और अमित वर्णा। बी यूनिक, बनाना भाई के साथ मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा भाई जाने से पहले आप जो फैंस हैं आपके जो कि आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे यार? ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम आपको और ज़्यादा हंसाते रहेंगे, और ज़्यादा वीडियो आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी आएंगी। बहुत प्यार करते हैं सारे, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी जल्दी सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू दूंगा, या फिर कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इन सब के साथ बैठूंगा, या अमित भाई के साथ, या इन सब के साथ मैं घूम सकता हूँ। तो बस यही है, आप सबकी मेहर है। ठीक है भाई, आप? भाई मैं एक्चुअली लिखता भी काफ़ी कुछ हूँ। अच्छा, तो मैंने लिखा हुआ है, अभी तो बहुत लंबी लंबे इसलिए मैं पढ़ के नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन शायरी लिखी है मैंने, लंबी लंबी लिखी है, मैं ऐसे लिखता हूँ। तो उसके अभी मैं बताने से पहले उसके थ्रू एक चीज़ बोलूँगा, जहाँ से मैं था उतनी कोई खास, मतलब जो इज्जत थी कभी मिली नहीं भाई, जो मतलब मेरे को मेरी मम्मी एक बात बोलती हैं, जो तुमको देखते हैं ना वो तुम्हारे भगवान है, ऑडियंस इज योर गॉड। तो इन्हीं लोगों की वजह से जो हूँ, आगे भी जो बनूंगा यही लोग बनाती है, यही लोग बिगाड़ती है भाई। तो बस हाथ जोड़ के भाई इन्हीं लोगों के थ्रू चल रहा हूँ, और कुछ बोल नहीं सकता। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे साथ मेरे दोस्त थे, शुभम सराव, गगनदीप फुटेला, और 3-4 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ स्टार्टअप किया था, मतलब जो हमेशा सपोर्टिव रोल में थे। मेरा निमित था, एक फ्रेंड है मेरा, तो इसमें शुभम था, उसने मेरे को एक बात बोली थी, कहता तू कर रहा है ठीक है, अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, मैं उस दिन मानूंगा जब तू राज जॉन से इंटरव्यू करेगा। ये तो मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कहता उस दिन मैं मानूंगा जब तू राज जॉन से इंटरव्यू करेगा, और मैं आज यहाँ बैठा हूँ और आपके सामने। ठीक है, बट भाई मैं बोलूँ फैंस को क्या बोलना चाहूँगा? फैंस को मैं बोलना चाहूँगा, जब स्टार्ट किया था तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी सी जगह से, मतलब सिरसा से मैं इतना ऊपर पहुँचूंगा, काम करता रहूँगा। पर यही बोलूँगा कि कुछ भी अगर सपने देख रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर, कुछ भी करना चाहते हो तो करो, सोचते मत रहो। मैं यही बोलूंगा क्योंकि मैं भी बैठा रह गया, मैंने बहुत ट्राई किया, जब आगे निकला बहुत लोग आए, बहुत मेरे बहुत एक पास के तो दोस्त ये हुए एल्विश, और जो बहुत पास के हैं प्रियम, मुरारी, स्वतंत्र राणा, ये लोग, इन लोगों से हट के जिसने भी खींची है टांग नीचे खींची है। तो बाकी जब आगे बढ़ाऊँ तो सब पहले जो ऐसे नहीं होता कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं, और जैसे ही हो गए भाई मैं बोलता था कि तू कुछ करेगा, तू कुछ बनेगा। तो भाई ये तो मैं यही कहूँगा भाई कि सपने सब लोग देखते हैं लेकिन सपने पूरा करने का मजा ही कुछ और होता है। तो भाई बैठो मत, सपना पूरा करने में लग जाओ, रेस में दौड़ जाओ, एक ना एक दिन भाई फर्स्ट आना ही आना है। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे आप सपोर्ट करते आए हो पहले, मतलब 3,000 सब्सक्राइबर थे मेरे 3-4 महीने पहले, और आज मेरे 1,60,000 क्रॉस हो चुके हैं। तो मैंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी क्रॉस होंगे, पर जो आपने सपोर्ट दिया आगे भी देते रहना, पक्का प्रॉमिस करता हूँ अच्छा काम करता रहूँगा। सेम कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेस्ट देंगे अपना। ठीक है भाई, जाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वो ये है कि भाई देखो मैं जैसे दिल्ली के सबसे फिल्मी लॉन्डर राजू साहब ने शो कराया, कैसा लगा भाई? बहुत बड़ा अच्छा, एक नंबर। सबसे पहले तो मतलब यंग यूट्यूबर्स मैं भी चाहता हूँ कि यंग यूट्यूबर्स को प्रमोट करें, जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। सो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा आप मेरे शो पर आए, फ्यूचर में भाई अच्छा काम करो, खतरनाक काम करो, और जी फाड़ काम करो। मैं चीज मैंने लिखी थी, मैं बोल सकता हूँ, ये मेरी पहली लिखी हुई चीज थी। तो भाई जो भी डिमोटिवेट फील करे, एक चीज है वो ये कि
आज बताता हूँ अपनी कहानी, वो भी अपनी मुंह जबानी। मैंने रास्ते बहुत बदले, सोच बदली, यहाँ तक तरीके सारे बदल दिए। अगर कोई चीज जो बदल ना सका या बदलना ना चाह तो वो थी मेरी मंजिल। एक दिल की ख्वाहिश थी जिसे साकार करके दिखाना था, महफिल में हमारे चर्चे में ऐसा बन के दिखाना था। पहले सोचा सब बड़ा आसान है, करने निकला तो समझ आया कि अजब खेल खेलता भगवान है। जो मेरे सपनों में आता, मेरी नींदें उड़ा ले जाता, उस सपने से प्यार करता मैं बेहद हूँ, इसीलिए उस सपने को सच करने के लिए कर रहा मैं मेहनत हूँ। थोड़ा कीमती समय निकाल के खा लेता हूँ या कोई मन पसंदीदा गीत गुनगुना लेता हूँ। ना जाने फिर भी मेरा सपना हर पल मेरे दिमाग में क्यों चलता रहता है। कहता है मुझे पूरा किए बिना मुसाफिर कैसे तू शांत बैठा है, चल उठ मुझे बना ले अपनी मंजिल, पूरा करके दिखा जो कह रहा है तेरा दिल। ये मेरी फेवरेट लाइन है। फिर ना कोई तुझे जानेगा तेरे बाप के नाम से, बाप भी कहेगा बेटा मुझे फखर है तेरे काम से। थैंक यू। ऐसा लगा डीजे जिम सारे भाई फैन उसका भी भाई, वो बहुत कर रहा है। तो भाई थैंक यू भाई, फ्यूचर में अच्छा काम करो, खतरनाक काम करो। थैंक यू सो मच।